आइए आपको सुनवाते हैं। प्रबंधिका श्रीमती पुष्पलता जी अग्रवाल और हमारे कुछ यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक बैठे हुए हैं, श्रीमान नेत्रपाल सिंह जी, पंडित उमाशंकर जी द्विवेदी, श्री जय नारायण जी तिवारी, श्रीमती स्नेह प्रभा सिंह, श्री के मिश्रा जी, श्रीमती जया जी शुक्ल, श्रीमती शकुंतला निगम और आचार्य दयाशंकर जी अवस्थी, जिन्होंने यह पुस्तक लिखी है, श्री दिवाकर जी सेठ, श्री अशोक जी श्रीवास्तव और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मुझे कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं करना है। मैं समझता हूं कि डॉक्टर दिनेश जी शर्मा ने मेरा काम बहुत ही हल्का कर दिया। और पहली बार श्री सारस्वत ने जिस प्रकार का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, ऐसा कार्यक्रम तो जीवन में पहली बार मैंने देखा ही है। लेकिन ऐसी प्रतिभा की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और सारस्वत जी, निश्चित रूप से इनके ऊपर ईश्वर की कृपा है कि ऐसी प्रतिभा इनके अंदर विकसित हुई है। आप लोगों को बधाई देने के पहले तो मैंने इस प्रतिभा के धनी सारस्वत जी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आज यह होली मिलन का कार्यक्रम है। वैसे हर बार मैं सोचता हूं कि होली के अवसर पर मैं लखनऊ रहूंगा, लेकिन लंबे समय से, लगभग 16-17-18 वर्षों से दिल्ली में बराबर मेरे आवास पर एक होली का कार्यक्रम होता है, जिसमें कि दिल्ली, बगल का राज्य है हरियाणा और एनसीआर यानी जो उत्तर प्रदेश का भी जो भाग जिसके अंतर्गत आता है, बड़ी संख्या में लोग होली खेलने के लिए और मिलने के लिए आते हैं। तो जब मैंने यह फैसला किया, कुछ लोगों को जानकारी मिली, तो लोगों ने कहा कि नहीं साहब, हर बार लोग आते हैं और आप चले जाएंगे, हजारों लोग आएंगे और होली के दिन दरवाजे से लौट कर जाना यह कदापि उचित नहीं हो। मजबूरी में मैं नहीं आ सका, लेकिन मैंने फैसला किया था कि उसके बाद मैं होली मिलन के कार्यक्रम के लिए लखनऊ जाऊंगा। और आज ये चौथी विधानसभा क्षेत्र है जिसमें कि होली मिलन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अब आज होली की शुभकामना देना, बधाई देना तो काफी विलंब हो चुका है, लेकिन जितने लोगों के मोबाइल नंबर थे, मैंने एसएमएस के माध्यम से अधिकांश लोगों के पास होली की बधाई भेजने का काम किया था। पता नहीं इसमें से कितने लोगों के पास पहुंचा, जरा हाथ उठा देंगे तो मुझे अंदाजा हो।